पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के मुहिम में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं का शुरुआत भी किया और कई योजनाएं इसमें अंत करते हुए भी दिखाए गए, लेकिन उसी योजनाओं में एक योजना थी मिथिला पेंटिंग से पूरे शहर को, उसके दीवारों को सजाने का काम करना। लेकिन स्थिति यह है कि देख रहे हैं कि पटना में मिथिला पेंटिंग की दीवारें तो हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अब जो है, बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मिथिला पेंटिंग बनाए गए दीवारों के ऊपर ही अपना इश्तेहार लगाना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में सरकार इनके लिए क्या कर रही है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मिथिला पेंटिंग बनाए गए थे, आर्ट कॉलेज के कई छात्रों को रोज़गार भी मिला था, उनको करीब रोज़ का 5 से 6 हज़ार रुपए की कमाई भी होती थी, लेकिन जो परिस्थिति है यहाँ से आप देख रहे हैं कि पूरी दीवार जो कुछ महीने पहले तक मिथिला पेंटिंग से लोगों को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करता था, लेकिन वहीं अब यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वैसे में तो ये कहते हैं कि हम शहर को दुरुस्त करेंगे और यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे, शहर के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसे में इनका यह दावा साफ दिख रहा है कि सरकार के द्वारा जो शहर के विकास और सुंदर बनाने की मुहिम पर खुद अपना इश्तेहार चिपकाकर उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे नेताओं को क्या कहा जाए जो बार बार इस तरह की गलतियां करती है। हालांकि आप देख रहे हैं कि अभी मैं खड़ा हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे, और यह इनकम टैक्स का चौराहा जो है अपने आप में काफ़ी चर्चित चौराहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी के नेता को अगर किसी तरह का कोई अपना मांग होता है, उस मांग को पूरा करने के लिए यहाँ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब इसी जगह पर आप देख रहे हैं कि जो बैनर और जो पोस्टर जो लगाए गए हैं वो साफ इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ के जो नेता हैं किस तरह का यह चुनाव जीतने का मुहिम है। जो मिथिला पेंटिंग बनाए गए थे, खूबसूरती के लिए जाना जाता है मिथिला पेंटिंग, खूबसूरत रंगों से इनको बनाया गया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, और उसके बाद उस पेंटिंग के ऊपर ही कोई राजनीतिक पार्टी अपना पोस्टर चिपकाते हैं। तो ऐसे में यह बताना कहीं से गलत नहीं होगा कि राजनीतिक पार्टी यह काम अच्छा कर रही है, या इसको देखकर लोग उस पार्टी के तरफ आकर्षित होंगे, उनके नेता को अच्छा नेता समझेंगे, या उस नेता के बारे में कुछ और ही अपना बयां करेंगे। हम सीधे दिखाएंगे आपको, इधर कुछ और भी पोस्टर हैं हम दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे एक राजनीतिक पार्टी है, यहाँ पे आप दिखाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी पोस्टर लगा है, तेजस्वी यादव जी इसमें दिख रहे हैं, और यह होर्डिंग है, सरकारी होर्डिंग है, क्या इसके लिए टेंडर निकाला जाता है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं से मिथिला पेंटिंग बनाई गई है, उसके पीछे इस पोस्टर से वह छुपता हुआ नज़र आ रहा है। एक और राजनीतिक पार्टी है हम आपको दिखाएंगे, यह बिहार में इस पार्टी को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आप इस चेहरे से ज़रूर रूबरू हुए होंगे। यह पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, पता नहीं किस तरह की विकास की बात यह करते हैं, लेकिन जिस तरह से मिथिला पेंटिंग के ऊपर इन्होंने अपना इश्तेहार चिपकाया है, कहीं ना कहीं से विकास की बात इनकी कही हुई अधूरी रह जाती है। अब देखना होगा, आचार संहिता लगने के पहले यह पोस्टर तो हट जाते हैं, लेकिन मिथिला पेंटिंग के ऊपर में जो इस तरह से इश्तेहार छापे गए हैं और साट दिए गए हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वह हटाने में नगर निगम कब कार्रवाई शुरू करती है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।